भाइयों आज हम आए हैं किशन जी के यहाँ। 3-4 बीघे में उन्होंने बेहतरीन घर बनाया हुआ है, बहुत ही शानदार इंटीरियर है। घर के अंदर बिल्कुल महल जैसे नजारे दिखते हैं। घर में इन्होंने बहुत से पेड़ पौधे लगा रखे हैं और गाड़ी के शौकीन हैं। चलो चलते हैं, करते हैं इनसे बातचीत। भैया राम राम। राम राम भैया। भैया अपना नाम बता दो। मैं भैया शुभम चौधरी हूँ। मेरे पिताजी का नाम किशन सिंह जी है जी। मेरे बड़े भाई का नाम दलवीर सिंह है। और गाँव का क्या नाम होगा? अपने गांव का नाम भैया गांव बोटे, तहसील उज्जैन, भरतपुर, राजस्थान। बहुत बढ़िया। जो मैं घर देख रहा हूँ बता सकते हो किसने बनवाया था और कितना समय हो गया इसे बनते हुए? हाँ जी, ये भैया मेरे पिताजी हैं, उन्होंने बनवाया है जी। और ये 2015 में कंप्लीट हो गया था। 2015 में? हाँ जी। बहुत बढ़िया। चलो अंदर चलते हैं एक बार, पूरे घर की विजिट करा। आ जाओ भैया। तो लगभग कितना खर्चा आ गया होगा, कुछ अंदाजा है? भैया करीब 185 करीब खर्चा आया था इसमें। 185 जी। और कितने एरिया में होगा ये? ये भैया 1 बीघा ज्यादा में। अच्छा, ये कौन सा पोर्शन होगा? ये भैया बैठक है अपनी। ये बैठक है अपनी। हाँ जी। जो मैं फोटो देख रहा हूँ, जान सकता हूँ कौन कौन है? ये दादाजी अम्मा जी। ये कौन सा एरिया होगा? ये भैया बालकनी है। तो सर डिजाइन कराया हुआ है मैप से? हाँ, आर्किटेक्ट से कराया था भैया। इसमें भैया 6 रूम है, 3 नीचे 3 ऊपर। जी जी जी। एक बार रूम और दिखवा दो। हाँ भैया, ये अपने पिताजी का रूम है। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये भैया इसमें मेन कॉमन लेटरिन है। जी जी। इधर स्टोर है अपना। अच्छा, ये स्टोर है। ये हमारा रूम है भैया। ये आपका रूम है? हाँ जी। तो आप करते हो कुछ, जॉब करते हो या घर ही रहते हो? पिताजी के साथ रहते हैं। अच्छा, और आपके भाई भाई कितने हैं? हम भैया 2 भाई हैं जी, 4 बहनें। अच्छा, चारों बहनों की दोनों भाई शादी हो गई जी। ये किसका रूम है? ये भैया अम्मा जी का रूम था। ये तो भैया मंदिर है अपना। ये मंदिर है, ये किचन हो गया। हाँ, ये भैया किचन है अपनी जी। चलो जी ऊपर चलते हैं एक बार। सर ये क्या है बता सकते हैं, जलते हैं ये? हाँ, ये भैया जलने वाले थे लेकिन ये बाद में आए थे। अच्छा, तब तक सेटअप नहीं हो पाया रेलिंगों में, सीढ़ियों में। ऊपर कितने रूम होंगे? ऊपर 3 है भैया। तो यहाँ कौन रहता है, मतलब? ऊपर खाली पड़ा भैया पूरा। पिताजी यार कितने भाई थे सर? पिताजी और भैया 5 भाई थे, 4 हैं प्रेजेंट में। तो वो गांव में रहते हैं, सब बाहर रहते हैं? हाँ, जो 3 है वो भरतपुर में रहते हैं जी, एक यहीं पे रहते हैं। ये तो ऐसे गेस्ट रूम बना रखा होगा आपने। हाँ, भैया भाभी का रूम है ये। अच्छा भैया जी, आपने स्कूलिंग कहाँ से की है? भैया मैंने जयपुर से की थी, RSS का स्कूल है ABM, उसके बाद BBA यहीं से की थी, भरतपुर से ही। तो जमीन कितनी होगी भाई साहब? भैया हमारे पास प्रेजेंट में 118 बीघा है। इधर ये बालकनी है। तो पिताजी ने खरीदी है जमीन या दादा लाई है इतनी? नहीं भैया, दादाजी ने कम दी थी, 28 बीघा करीब थी जी। तब दादाजी से अलग हुए थे अपन, उसके बाद पिताजी ने खरीदी थी। मतलब 28 से 118 तक का सफर जो था वो पिताजी ने तय किया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो राजस्थान में सर पानी की तो दिक्कत रहती है कुछ? नहीं भैया, हमारे यहाँ पे तो खूब पानी है। पानी खूब है? हाँ, अपने यहाँ 4 ट्यूबवेल है जी, चारों में खूब पानी है। तो ये खेत होगा अपना या प्लॉट लिया था? भैया एक खेती है पूरा जी। कितने बीघे में? ये भैया 5.5 बीघा में। ये तो अपना हो रखा है बाउंड्री, ये 5.5 बीघे की है। अच्छा, जितनी भी बाउंड्री हो रही है अपनी है सारी जमीन? हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ क्या क्या रखा है? ये भैया इसमें भैंसों के लिए चारा वारा है। और पेड़ कौन? और ये इधर बाग है अपना। इधर कौन सा एरिया होगा भाई साहब? ये भैया ऊपर टंकी है। टंकी कैसी बनवा रखी है, पत्थर की? हाँ भैया। अच्छा, एक बार चलते हैं ऊपर, चलते हैं। हाँ भैया, जाओ। कितने लीटर में होगी? अब भैया इसका अंदाजा नहीं है। ये अपने भाभी भैया हैं जी, बड़े वाले। हाँ, ये बड़े जीजा जी जी हैं जी, और ये उनसे छोटे। ओके। ये और उनसे छोटे, ये वो है, ये हमें। इधर कौन सा एरिया होगा? ये भैया इधर बाग लगा हुआ है अपना। अच्छा, ये कौन सा एरिया होगा भैया? ये भी घर के सामने का लोन वगैरह है जी। अच्छा, छोटा सा पार्क भी बना रखा है। हाँ जी, बैठने के लिए। हाँ भैया, ये दादाजी का मंदिर है जी। अच्छा, आपके दादाजी और दादी का क्या नाम था सर उनका? दादाजी का नाम था तुलाराम जी जी, अम्मा जी का नाम था कंपूरी देवी जी। अच्छा, इनका सेपरेट आपने मंदिर बना रखा है? हाँ जी। नहीं, बहुत बढ़िया। तो ये भी घर के साथ ही बना था या पहले बना था? बहुत पहले भैया, 2004-05 का है। 2004-05 का है। भैया पशु कितने होंगे? पशु भैया 3 गाय, 1 भैंस है अपने पास। अच्छा, ये साहिवाल गाय। साहिवाल? हाँ। ये अपनी गिर गाय जी, ये मुर्रा भैंस है। यहाँ टीन शेड गिरवा रखा है, पंखे वंखे बिल्कुल बढ़िया, कूलर भी लगा रखा है इधर। हाँ, ये इधर गैरेज है, इसमें भैया माल वाल भरते हैं, कोठे बने हुए माल के लिए। तो ये आपका पुराना घर होगा सर? हाँ भैया। ये किसने बनवाया था? ये पिताजी ने। ये इसमें ट्रैक्टर मशीनें खड़ी रहती हैं, इसमें गाड़ी खड़ी रहती है। गाड़ी ट्रैक्टर कितने होंगे? गाड़ी ट्रैक्टर, एक गाड़ी एक ट्रैक्टर है। भैया जी ट्रैक्टर कब लिया था आपने? ट्रैक्टर भैया 3 साल पुराना है, अभी लिया है। 3 साल पुराना मैसी 241। हाँ। कितने का पड़ा था ये? ये भैया 6.5 का। 6.5 का। तो जितने भी खेती बाड़ी करते हो इससे करते हो? हाँ, छोटी मोटी खेती बाड़ी कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, 18 किए सब अपने जी। तो भैया जी गाड़ी कौन सी होगी? ये भैया सफारी स्टॉर्म लद्दाख में जी। ये कब ली थी? ये 2017 मॉडल है भैया। 2017 कितने की पड़ी थी? ये भैया उस टाइम 14 की पड़ी थी। 14 लाख की? हाँ जी। तो गाड़ियों का शौक है मतलब? बढ़िया। हाँ बढ़िया। कितनी गाड़ी होंगी भैया अपने पास? 2 हैं, एक बड़े भाई के पास रहती है, यहाँ रहती है। अच्छा, वो कौन सी है? वो भैया टोयोटा की ETO क्रॉस है। अच्छा, ये पुरानी बैठक है, दादाजी ने बनवाई थी। अच्छा, कितनी पुरानी होगी लगभग? भैया हो गए करीब 60-65 साल। तो कोई रहता नहीं है यहाँ? नहीं भैया, खाली है। झूला भी लगा रखा है बैठने के लिए? हाँ भैया, आ जाते हैं बैठने। और सर ये क्या बना रखा है आपने, स्टेज टाइप थोड़ा सा? ये भैया कोई प्रोग्राम होता है ना गाँव में, हमारे यहाँ
जी तो कर लेते हैं इसमें। अच्छा, प्रोग्राम मतलब कैसा, शादी क्या? हाँ, शादी वगैरह कोई वैसा नौटंकी वगैरह होती है जी। अच्छा, पेड़ में टायर का गोल काट के लगा रखा है सर? नहीं भैया, ये पेड़ लगाया उससे पहला ही टायर है ये। ये इधर भैंसों के पीने के लिए टंकी है पानी वानी के लिए जी। ये बिजली है समरसेबल। तो जैसे आप समरसेबल करते हो तो पानी की वैसे दिक्कत नहीं होती कुछ? लाइफ रहती है बढ़िया? बढ़िया। पानी कैसा रहता है? बढ़िया रहता है पीने? पानी मीठा भैया। अच्छा, तो अलग से प्योरिटी या कुछ वैसा नहीं करते आप? नहीं भैया। इधर जंगल होंगे अपने? हाँ भैया, ये खेत है, यहाँ पशुओं के लिए चारा वारा बो लेते हैं। ये क्या है सर, घेरे या वैसी? हाँ नहीं, ये भैया अपना खाने पीने के एरिया है। अच्छा, चक्की वक्की है, चून वून पीस लेते हैं अपन भैंसों के लिए, दरिया वरिया। तो भैया जमीन कहाँ कहाँ होगी अपनी? जमीन भैया अपने पूरे बोट हल्का में आती है जी, बाहर नहीं है। अच्छा। ये अभी नए पेड़ लगाए हैं कुछ। अच्छा, नए लगाए हैं? हाँ। कौन से? यही ज्वार के ही? नहीं, ये फलों के पेड़ हैं, जितने भी फल होते हैं अपने इंडिया में जी, वो सारे ले आया हूँ मैं तो। अच्छा, दो दो चार चार पेड़। क्या रेट चलता होगा ठेके का यहाँ? यहाँ भैया 12,000 रुपये बीघा। 12,000 बीघा हमने दे रखी है हमारी। जो आप 118 बता रहे थे सारी दे रखी है कुछ? हाँ भैया, कुछ 5-7 बीघा रखी है ये वाली जी, अपने लिए पशुओं के लिए। अच्छा, और सब दे रखी है। ये जितने भी पेड़ लग रहे हैं बता सकते हो कौन कौन से होंगे? हाँ भैया, ये केले हैं। अच्छा, ये वाला केले आ रहे हैं इसमें। ये संतरा है। ये संतरा है? हाँ, इसमें फल आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। ये वाला कौन सा होगा? ये मौसमी है भैया। ये पोस्टर लग रहा है, बता सकते हो किस किस का नाम लिख रहा होगा और कौन कौन है ये? हाँ भैया, ये अपने अम्मा है जी, ये अपने दादाजी हैं जी, तुलाराम जी दादाजी हैं। अच्छा, किशन सिंह जी पिताजी का नाम है। तो जो आपकी कोठी का नाम है इनके नाम के ही है? हाँ, मतलब दादाजी के नाम, पिताजी के नाम पे, पिताजी के नाम किशन सिंह बिला। अच्छा, तो दादाजी आपने देखे हैं? हाँ खूब। तो खेती बाड़ी करते थे अभी? हाँ खूब की उन्होंने। अच्छा, काफी मेहनती थे मतलब? हाँ, अच्छा मेहनत की है तभी यहाँ तक पहुँचे उनके आशीर्वाद से। मतलब जो भी है उनकी देन है? उनकी देन है, बहुत बड़ी। तो दोस्तों देखा आपने भाई क्या कमाल का इंसान है। दोस्तों इस वीडियो करता हूँ यहाँ पर समाप्त। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। जल्दी मिलता हूँ और भी शानदार और बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।